Okay, good morning. So let's start this session. This session will go a bit longer usual session se because I'm try karenge ek chota sa chapter le rahe hain, bahut hi chota hai wo. So you know, so don't worry. So we will be doing it. Aur concepts bahut limited hai. Humne iska ek part already, you know, humne aapko yaad hai humne expansion, thermal expansion padha tha. Chota sa concept yahan pe thermal stresses ka bhi aayega. तो भी मैं बताता चलूंगा. और मैंने आपको बोला था इफ यू रिमेंबर कि थर्मल एक्सपेंशन जो हमने पढ़ा था, थर्मल स्ट्रेसेस आते हैं जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, पहला चीज ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, बट कुछ कुछ बातें जो मैं बोलता चलूंगा आप लोग को लिखते चलना है. देखिए, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट इज द प्रॉपर्टी, बेसिक बात अगर मैं करूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मटेरियल टेंड्स टू रिगेन देयर शेप. ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मटेरियल टेंड्स टू रिगेन देयर शेप. तो बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल को आप कैटेगराइज कर सकते हो परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, फिर यू नो, फिर प्लास्टिक और फिर इनके बीच का इंटरमीडिएट. इसको ऐसे लिखता हूं मैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक और ये पार्शियली इलास्टिक और प्लास्टिक. तो डेफिनेशन एज द नेम सजेस्ट इट्स क्वाइट क्लियर. परफेक्टली इलास्टिक मतलब जो अपने शेप को कंप्लीटली रिगेन कर लेता है, दैट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, और दूसरा परफेक्टली प्लास्टिक जो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता है. ठीक है, cannot regain its shape. And you know, जो intermediate आप देख रहे हो, वो intermediate basically ये वो condition है जहाँ पे you know it regains its shape but partially, not exactly, right? So that is what is the categorization of material on the basis of how much they will be able to regain their shape, right? After application and removal of force. ठीक है, I hope you got this. पहला स्लाइड सबको क्लियर है, राइट? बेसिक डेफिनेशन है, कोई खास बात नहीं है. ठीक है, आइए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं. We'll talk about stress. So how will you define stress? ठीक है, स्ट्रेस एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं, इससे बेसिक कुछ भी नहीं है और धीरे धीरे बता रहा हूं. स्ट्रेस इज बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एंड दिस एरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, this is basically area of cross section. So stress is restoring force per unit area, and when we talk about area, this is the area of cross section. ठीक है, तो restoring force, force का unit newton ही होगा और area का unit meter square होगा. तो अगर आप ध्यान से देखोगे stress का जो unit है newton meters to the power minus 2, ये रेजेंबल करता है प्रेशर के यूनिट से. तो स्ट्रेस की यूनिट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस यूनिट रेजेंबल्स यूनिट ऑफ प्रेशर. समझने वाली चीज, ठीक है. लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस है. अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर में जो फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव फोर्स.
बाकी वो जो कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया हुआ था, आपको याद होगा 8 चैप्टर में, कि एरिया व्हिच एरिया वी विल टेक, एरिया वी विल टेक व्हिच इज मींस द फोर्स दैट वी विल टेक विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया, इफ यू रिमेंबर राइट. ये चीज हम लोगों ने देखा था. सो प्रेशर जो होता है दैट इज बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेस. ठीक है, प्रेशर जो लेंगे दैट इज कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज व्हाट वी विल टेक. अभी ये जो फोर्स, जब प्रेशर में हम लोग फोर्स लेते हैं तो इफ यू रिमेंबर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट एफ परपेंडिकुलर, आपको याद है ये बेसिक बात, इट इज एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया. बट दिस एफ परपेंडिकुलर इज द कंप्रेसिव फोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेशर. तो प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए हमेशा फोर्सेस जो होंगे वो कंप्रेसिव ही होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस डिटरमिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस डिटरमिनेशन के लिए द फोर्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. इट कैन बी ऑब्वियसली टेंसाइल और एलोंगेटिव, इट कैन बी कॉम्प्रेसिव और इट कैन बी टेंजेंशियल, जिसे हम लोग शियर के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो स्ट्रेस डिटरमिनेशन में बेसिकली हम जो फोर्सेस के साथ डील करेंगे वो तीन टाइप की होंगी, एंड दिस एक्चुअली डिफरेंशिएट्स स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर. तो प्रेशर जो होगा वो प्योरली कॉम्प्रेसिव फोर्स है, और जो स्ट्रेस है वो रिस्टोरिंग फोर्स है. अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, इसका मतलब स्ट्रेस उन्हीं मटेरियल में डेवलप होगा जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है. अगर रिस्टोरिंग फोर्स ना लगे तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, दैट इज व्हाट द थिंग इज. ठीक है, तो आइए समझते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स कैसे डेवलप होता है. What is the mechanism for development of restoring force? Mechanism for development of restoring force. देखिए, restoring force कैसे develop होगा? Restoring force देखो, अगर मैं कोई एक फॉर एग्जांपल एक रॉड मान रहा हूं, ठीक है, मान लो आपने इसके ऊपर सिंपली एक फोर्स लगाया ऐसे, ये एक केस है. और दूसरा एक केस है कि एक रॉड है, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई, ठीक है, इसको आप समझ सकते हो एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के ऊपर आपने एक फोर्स एफ लगाया. ठीक है, मुझे बताओ स्प्रिंग के अंदर खिंचाव या स्प्रिंग एलोंगेट कब होगा? कंडीशन ए में होगा या कंडीशन बी में होगा? स्प्रिंग के अंदर खिंचाव कब उत्पन्न होगा? कंडीशन बी में. तो कंडीशन ए में स्प्रिंग के अंदर कोई खिंचाव उत्पन्न नहीं होगा, बिकॉज आपने फोर्स लगाया, दूसरा एंड भी फ्री है तो वो चला जाएगा, उसके अंदर कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं रॉड की बात करूं तो जिसको मैंने अभी सर्कल्ड किया है, ये रॉड में कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होगी, लेकिन जो नीचे वाली रॉड है जो वॉल के साथ फिक्स्ड है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप. तो होता ये है कि जैसे ही हमने फोर्स लगाना शुरू किया, आप कोई एक एक यू नो एक पॉइंट आप ए मान लो, एक पॉइंट ए के ऊपर आप फोकस रख रहे हो अपना, यू आर विजुलाइजिंग अ पॉइंट ए ऑन द रॉड, और आपने एक फोर्स एफ लगाया. तो अब जब आप इस फोर्स को लगाना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि जब आप फोर्स यू नो अप्लाई कर रहे हो तो आपको दिखेगा कि ये पॉइंट ए अपनी जगह से डिस्प्लेस होके पॉइंट ए डैश तक आ जाएगा. तो जब ये अपनी जगह पे डिस्प्लेस होगा तो ये ए से ए डैश जो ये पॉइंट मूव कर गई, ठीक है, जिसके कारण ए से ए डैश मूवमेंट के कारण
ये पार्टिकल में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई। और यही वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो इलास्टिक मटेरियल को बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप में लेके आता है, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल को, वंस एफ इज रिमूव्ड। अगर आप फोर्स एफ रिमूव कर दोगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस अपनी जगह पे ले आएगा। तो बेसिकली जब आप एफ लगाते हो तो बेसिकली क्या होता है कि ये पार्टिकल ए इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो वो थोड़ी दूर ए से ए डैश पहुंचने के बाद वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? बिकॉज इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स एफ जो था दैट इज बैलेंस्ड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो फोर्स आपने अप्लाई किया था दैट इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स रिस्टोरिंग, दिस इज फोर्स अप्लाइड, दिस इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स रिस्टोरिंग। इसका मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है that you can say ki that gets into that particular particle which is under our consideration. To is restoring force ki baat hoti hai jab hum stress ka determination karte hain, theek hai? Aur stress ka determination mein aapko simple baat yaad rakhni hai ki it's a restoring force that is developed. Aur yahi concept hai kyunki otherwise aap agar units wise ya dimension wise dekhoge to pressure aur stress mein koi difference nahi hai. But there is a difference, and that difference arises because of the nature of force which is coming into play in the determination of stress and pressure. क्या मेरी बात समझ में आई है? Stress और pressure में कौन सा type of force play में आ रहा है? That is of importance. और वो मैंने यहाँ पे explain करने की कोशिश की। I hope you got this. I hope everybody got this. Good. So this is what the thing is. ठीक है? अब देखिए यहां पे एक केस लेते हैं ताकि अपने को समझ में आए चीजें। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहां पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, सपोज मैंने यहां पे 15 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है? पहले केस में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा मान लो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है और यहाँ पे भी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, ठीक है? सो लेट्स सी, ध्यान से देखना अभी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एक बात समझ में आएगी, ठीक है? देखिए इधर, तो पहले केस में अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। आप इसके अंदर से ऐसा समझ लो कि आपने दोनों तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कोई एक पार्टिकल होगा जिसकी इनिशियल पोजिशन ए होगी, वो ए से ए डैश पहुंच जाएगा, ए से एडस पहुंच जाएगा, लेकिन वो 10 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है इसलिए वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस पार्टिकल के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आई है? दूसरे केस में जब आपने 15 न्यूटन और 8 न्यूटन लगाया, इस केस में अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी क्या होगा, सोचो। जो पार्टिकल है ये पार्टिकल ए से एडस तो पहुंचेगा और वो 8 न्यूटन का फोर्स को बैलेंस कर लेगा, 8 न्यूटन है तो 8 न्यूटन तक वो फोर्स को बैलेंस करेगा, इधर 8 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 7 न्यूटन बचा विच इज 15 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन, वो इसको एक्सेलरेट कराएगा इस बॉडी को। लेकिन 8 न्यूटन तक क्या बैलेंस आउट हो रहा है? तो जहां पे भी बैलेंसिंग आउट का कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है वहां समझ जाओ कि रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है। तो अगर मैं पार्टिकल की बात करूं तो वो पार्टिकल 8 न्यूटन तक रिस्टोरिंग फोर्स लगा सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगाएगा, उसके ऊपर का जो भी फोर्स है वो इस पूरे बॉडी को एक्सेलरेट कराएगा अगर इसकी मास हम बोले कि कम है, ठीक है? हाँ, तो उस केस में एक्सेलरेशन नहीं होगा, पहले केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन कोई भी पार्टिकल की बात करें तो 10 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, ठीक है? समझ में आया है? दूसरे केस में
रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये 8 न्यूटन है, ये 15 न्यूटन है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, जो इसको बैलेंस करने वाला फोर्स होगा वही रिस्टोरिंग फोर्स होगा इस केस। जनरलाइज मत करो, अक्कल चलाना। 8 न्यूटन तक एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो 8 न्यूटन तक कोई भी पार्टिकल का अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है उस बॉडी के अंदर, इसका मतलब इस 8 न्यूटन को वो पार्टिकल बैलेंस आउट कर सकता है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स 8 न्यूटन है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद से कोई भी आलतू फालतू ये मत लो, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, 10 न्यूटन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूसरे, ये जो पहला वाला केस है, पहला वाला केस को मैं ऐसा भी तो बना सकता था, इधर 10 न्यूटन लगा दिया, अब बोलता बताओ रिस्टोरिंग फोर्स कितना है। क्या इस केस में भी रिस्टोरिंग फोर्स यही होता 10 न्यूटन का? क्योंकि आप कोई पार्टिकल को देखते तो पार्टिकल थोड़ा सा शिफ्ट होने के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाता, इक्विलिब्रियम में आ जाता तो पार्टिकल के ऊपर लग रहा कितना फोर्स, 10 न्यूटन, तो उसको 10 न्यूटन ही बैलेंस करना है बिकॉज वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 10 न्यूटन आ गए। अब आपको न्यूटन लॉज आप पढ़ चुके हो तो आपको एक बात क्लियर के समझ में आनी चाहिए कि ये वाला केस और ये वाला केस में कोई डिफरेंस नहीं है। You understand this, right? तो फिर से बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेस डिटरमिनेशन में क्या काम आता है रिस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस डिटरमिनेशन में रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑफ इंपॉर्टेंस। ये रिस्टोरिंग फोर्स 3 टाइप के हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है। इट कैन बी टेंसाइल और इलांगेटिव, इट कैन बी कॉम्प्रेसिव, इट कैन बी शियर। ठीक है, टेंजेंशियल। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस, समझ में आया? गुड, छोटा सा चैप्टर है, कोई खास बात नहीं है, डरना नहीं बिल्कुल। ठीक है, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस देता हूं मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने बोला आपको यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 में कि टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस कब आएगा ये अपने को समझ में आता है। अगर हमारे पास एक बॉडी है और हम ऐसे खींच रहे हैं जिससे बॉडी लंबा हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं एलोंगेटिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। अगर हम बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं कि इसकी साइज छोटी हो, इस केस में भी कॉम्प्रेसिव। आपको समझ में आ रहा है कि इस केस में पार्टिकल्स जो हैं, वो पार्टिकल्स के बीच में रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी होगी कि वो इस फोर्स को बैलेंस करे, इसे छोटा करने की कोशिश कर रही है, इस केस में कॉम्प्रेसिव। और सियर जो होगा वो क्या होगा कि मान लो एक बॉडी है और आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो बॉडी के ऊपर, तो ये जो फोर्स लग रहा है, this force is acting tangential to the body, tangential to the surface of the body। अगर आप 3D view लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहां से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि it is an area and you are applying the force here। तो उस केस में ये force applied जो है upon area, this will give me shear stress या tangential stress। क्या मेरी बात समझ में आई है? Shear stress या tangential stress, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और stress आती है जिसे हम लोग बोलते हैं volumetric stress। और बल्क स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस क्या होगा? इसका डेफिनेशन है कि जब फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो कि आपने एक एक रबर बॉल लिया एंड यू पुट द रबर बॉल, शियर स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? अनुष्का आप ही बताओ। शियर स्ट्रेस होता है, शियर प्रेशर कुछ नहीं होता है। शियर प्रेशर होगा ही नहीं ना, क्योंकि प्रेशर जब आप अप्लाई करते हो, ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए?
आपको चाहिए फोर्स दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एरिया. दैट्स व्हाट हैज बीन लर्नड, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया. बट शियर स्ट्रेस में तो फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द एरिया अंडर कंसिडरेशन. आपको समझ में आया? इसको ऐसे समझो आप, ये देखो, ये देखो इसको कैसे बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना. लेट्स हैव अ लुक, इसको 3D व्यू देख. ये यहां पे फिक्स्ड है, मान ले ग्राउंड के साथ फिक्स्ड है पूरा. आपने फोर्स लगाया है ऐसे, ऐसे फोर्स लगाया है, तो आप जो एरिया कंसिडर कर रहे हो, कौन सा एरिया कंसिडर कर रहे हो आप? ये वाला एरिया कंसिडर कर रहे हो. आपको समझ में आ रही है बात? तो ये शियर स्ट्रेस की अंडरस्टैंडिंग है. आप ये वाला एरिया कंसिडर नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस एरिया, या फिर इसके ऑपोजिट वाला जो एरिया है ये नहीं कंसिडर कर रहे हो आप. समझ में आया? वो कंसिडर करते तो फिर आपके लिए वो क्या बन जाता, वो प्रेशर हो सकता. बट आप कंसिडर कर रहे हो वो एरिया विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फोर्स बट पैरेलल टू द फोर्स, इसीलिए उसे आप शियर बोलते हो, राइट? दैट इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, आइए. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस. धनश्री, आई होप यू गॉट इट. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस तब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रबर बॉल आप लो, और इस रबर बॉल को आप बेसिकली अपने ये आपके हैंड्स है, दोनों हैंड्स है, हैंड वन हैंड टू, इसके बीच में रखो और इसे दबाओ. तो जब आप इसके बीच में रख के इसे दबाओगे, क्या आपको लगता है कि ये गेंद का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इस गेंद के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, इट इज लाइक दिस, एंड व्हाट इज दिस फोर्स? दिस इज अ नॉर्मल फोर्स, बिकॉज नॉर्मल फोर्स एक्ट बिटवीन द सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट. तो ये जो नॉर्मल फोर्स लग रही है, क्या ये नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रही है कि इट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस बॉल? जब भी आप फोर्स लगाओगे, इमेजिन करो आप इस चीज को, तो ये कंडीशन में जो स्ट्रेस डेवलप होता है, दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस. और इस स्ट्रेस के कारण चेंज आता है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल में चेंज आता है, मतलब ये लगाने के बाद आप देखोगे कि आपकी जो गेंद है वो गेंद सिकुड़ गई. ठीक है, आपकी गेंद जो है वो थोड़ी सी छोटी होगी. आप इमेजिन कर पा रहे हो? आप एक रबर के गेंद को अपने हाथों के बीच में रखो. हाँ हाँ, आप यूनिफॉर्मली सब तरफ से फोर्स लगा रहे हो. ऐसा ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक तरफ से फोर्स लगा तो वो पिचक गया, ऐसा नहीं कर रहे हो. आप यूनिफॉर्मली सब तरफ से फोर्स लगा रहे हो. ध्यान से देखो मैंने अपने हैंड्स को कैसे बनाया है. मैंने अपने हैंड्स को ऐसे बनाया है कि वो कम्प्लीटली उस गेंद को पकड़े हुए और सभी तरफ से फोर्स लगा रहा है, सभी उंगलियों से आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो. तो ये रहे, ठीक है. हाँ, ऐसे केसेस में चेंज इन शेप भी होता है, बट आई एम कंसिडरिंग कि हम चेंज इन शेप यहाँ पे नहीं देख रहे हैं. व्हाट वी आर टॉकिंग इज बेसिकली हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं कि उसका वॉल्यूम यूनिफॉर्मली सब तरफ से चेंज हो, क्या उसका रेडियस यूनिफॉर्मली सब तरफ से चेंज हो. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सेम फोर्स नॉर्मली ऑन ऑल इट्स फेसेस सच दैट देयर इज अ चेंज इन इट्स वॉल्यूम, दिस नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया विल गिव मी बल्क स्ट्रेस. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बल्क स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करेंगे? सो बल्क स्ट्रेस का मैथमेटिक डेफिनेशन होगा नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया. जैसे अगर हम स्फीयर लेंगे तो हम कौन सा एरिया लेंगे? कौन सा एरिया लेंगे? सरफेस एरिया. अगर हम स्फीयर में पूरे सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, पूरा सरफेस एरिया आएगा. यस और नो? क्या बात समझ में आई है एवरीवन? अभी देखो, जब हम स्ट्रेस लगाते हैं,
या फिर फोर्स लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर जिसके कारण उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है, तो स्ट्रेस लगाने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंगली बॉडी के अंदर स्ट्रेन डेवलप होता है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग, ध्यान से सुनना, व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग व्हाट स्ट्रेस, इट विल बी अकंपनीड बाय स्ट्रेन। In proportion or not in, you know, proportion, right? ये मैं explain करूंगा थोड़े बाद में। तो जब भी मैं ध्यान सुनो, जब भी मैं force लगा रहा हूं, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है बॉडी में जिसके कारण स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, ओके। जब भी मैं, ध्यान सुनना, जब भी मैं फोर्स लगा रहा हूं, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बॉडी में बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, so it will be accompanied by strain. And what is strain? Strain is change in length upon original length. That is what is strain. Or is strain ko hum log bolte hain longitudinal strain. Longitudinal strain. Example देखो, suppose we are having a body, ऐसे ऐसे एक rod ले लिया और हमने इसके ऊपर force लगाया इस direction में ऐसे, जिसके कारण क्या होगा, मान लो इसकी initial लंबाई थी L, because हमने इसको खींच रहे हैं दोनों end से, इसके अंदर tensile stress develop हुआ, मैंने बताया था tensile या elongative, compressive and shear. तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होने के कारण इसकी जो लंबाई थी ये एल से बढ़ के एल प्लस डेल एल हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई इसकी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन किया गया, चेंज इन लेंथ कितने का हो रहा है, डेल एल। कैसे, मैंने आपको समझाया, याद करो, change in any variable is final variable minus initial variable. Final length कितना है, L plus del L. Initial length कितना है, L. तो L plus del L minus L करोगे तो del L आ जाएगा. Upon original length was L. So this is what is your longitudinal strain all about. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो longitudinal strain जो है, वो है change in length upon original length. And that change in length will happen in the direction of applied force. ठीक है अच्छा, ये डेल एल को आप देखो, ये डेल एल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जब होगा इसको बोलेंगे टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और जब डेल एल नेगेटिव होगा इट विल बी नोन एज कॉम्प्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आई है? ये डेल एल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या ये बात समझ आई आपको? अगर डेल एल पॉजिटिव है इट्स अ टेंसाइल और एलोंगेटिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और अगर डेल एल नेगेटिव है तो इट इज कॉम्प्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या मेरी बात समझ में आई है? समझ में आई मेरी बात? अब ध्यान से देखो, इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बाद जो स्ट्रेन आती है वो है सीयर स्ट्रेन। व्हाट इज सीयर स्ट्रेन? डेफिनेशन लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ देखो ध्यान से सुनो,
आपको अभी अगर नोट्स नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं, मैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाता भी चल रहा हूँ, आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी. इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. ध्यान से सुनना, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द बॉडी टू द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन दोज टू लेयर्स. मतलब आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक क्यूब है, जो ग्राउंड के साथ फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता, फिक्स्ड है ये ग्राउंड के साथ. आप इसका एक लेयर मानो, ये लेयर वन है, और एक दूसरा लेयर मानो, ये लेयर टू है, और इनके बीच की जो दूरी है ये डी मानो. और मान लो आप जो फोर्स लगा रहे हो, इट्स अ शियर फोर्स. जिसके कारण होगा क्या, अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये फोर्स लगाने के बाद ये जो क्यूब है, ये क्यूब का आकार कुछ ऐसा हो जाएगा. आपको समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको समझ में आ रहा है ये बात? ये क्यूब का आकार ऐसा हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? ये क्यूब का आकार, आप इमेजिन करो, आप एक रबर ले लो, रबर इरेजर, और इरेजर को आप, उसके इरेजर का बॉटम पोर्शन आप जमीन के साथ होल्ड करके रखो और ऊपर में एक फोर्स लगाने की कोशिश करो, आपको दिखेगा कि उसका जो शेप है वो थोड़ा सा बेंड होता हुआ आपको दिखाई देगा. यस और नो? तो ये बेंडिंग हो रहा है यहाँ पे, ऊपर वाला लेयर जो है ये खिसक गया आगे की तरफ, बट जमीन के साथ जो अटैच्ड है वो नहीं मूव किया है. बट जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट, वैसे वैसे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो अभी अगर आप लेयर वन और लेयर टू को ध्यान से देखोगे तो लेयर टू जो है वो रिलेटिवली लेयर वन के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा. तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये निकालने का तरीका है, ये इमेजिन करने का तरीका ये है कि हम इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करेंगे. ये 3D में चल रहा है लेकिन हम ये प्लेन ट्रायंगल को देखेंगे. ये ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल ऐसा बना दिखता है. ये मान ले डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स है, हम ये छोटा सा ट्रायंगल ले रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स. ठीक है, दिस इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स मान लो, इसको डी ए, ये डी डैश मान लो. डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स, एक बॉटम लेयर है और एक टॉप लेयर. आप टॉप लेयर छोड़ के कोई भी और लेयर ले सकते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये जो है इसको अगर हम एंगल फाई बोलेंगे, एंड सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो आप देखोगे कि जो टेन फाई है, this tan phi will be x by d dash. क्या मेरी बात समझ में आई है? अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो with experience और समय के साथ आपको समझ में आ जाएगी. Already इसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं. आपको याद है हमने एक approximation trick पढ़ा था जो कि mathematics का एक part है, but that is very useful in physics. मैंने ये बोला था कि अगर phi small है then tan phi is approximately equal to sin phi, but wo mujhe likhne ki zarurat nahi, mujhe yahan pe chahiye phi, to kya tan phi ko, therefore kya tan phi ko phi likh do, because yahan pe kya hai ki jab aap ye force lagaoge na to ye jo phi hogi na wo phi kafi choti hogi, ye main aapko bol raha hu. To agar wo phi choti hai to aap tan phi को phi से रिप्लेस कर सकते हो, एंड दिस phi विल बी इक्वल टू x अपॉन d डैश. क्या मेरी बात समझ में आई है? ये जो phi है इसे हम लोग बोलते हैं shear strain. क्या बोलते हैं? shear strain. जैसे longitudinal strain is given by del l by l, which is the change in length in the direction of applied force upon original length, वैसे ही shear strain is defined as tan phi is equal to x by d dash or x by d dash, phi is equal to x by d dash, where x is the
relative shift of one layer with respect to other, and d dash is the normal or perpendicular distance between these two layers. क्या मेरी बात समझ में आई है? Did you understand what is shear strain is all about? बहुत simple है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या clarity है ये? Yes. क्या clear है? Clear है ये? Everyone. ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा आपने, शियर स्ट्रेन पढ़ा. अभी जो उसके बाद वाला स्ट्रेन आएगा वो आएगा बल्क स्ट्रेन. क्या आप बता सकते हो बल्क स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करोगे आप खुद बोल सकते हो ये? हाउ डू यू थिंक वी बी एबल टू डिफाइन बल्क स्ट्रेन? क्या इसका डेफिनेशन हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल या इनिशियल वॉल्यूम? विल दिस गिव यू बल्क स्ट्रेन? यस, विच विल बी इक्वल टू डेल वी अपॉन वी. ठीक है, अच्छा यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो कि आपको लॉजिक से समझना है. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो डेल वी है इसके साथ एक माइनस साइन हम खुद से जोड़ देते हैं. बताओगे माइनस साइन क्यों जोड़ा? बिकॉज जो डेल वी आएगा बल्क स्ट्रेन के लिए, मैंने आपको हाथ दिखा के बताया था कि वो फोर्स नॉर्मल एक्ट करेगा और उसको दबाने की कोशिश करेगा. दैट इज व्हाट इज बल्क स्ट्रेस. तो बल्क स्ट्रेस के कारण जो बल्क स्ट्रेन आएगा उस केस में जो डेल्टा वी आएगा, ये डेल्टा वी विच इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. आई कैन टेल यू विच डायग्राम आई एम रेफरिंग टू. देख ध्यान से, क्या ये ब्लैक वाला जो वॉल्यूम था क्या वो वी इनिशियल है, और जो रेड वाला बाउंड्री मैंने बनाया क्या वो वॉल्यूम फाइनल है? तो तेरे को खुद चमक जाएगा कि जो डेल वी है विच इज वी एफ माइनस वी इनिशियल, डू यू थिंक दैट द वी फाइनल विल बी लेसर देन वी इनिशियल? सो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, डू यू थिंक इट विल बी नेगेटिव? टू एक्सप्रेस दैट हम यहाँ पे माइनस डाल देते हैं. क्या मेरी बात समझ में आई? माइनस ऑफ डेल वी, बिकॉज हमें ये क्वांटिटी जो है बल्क स्ट्रेन जो है हमें वो नेगेटिव है, इसलिए हमने वहां पे इन्फ्लेटेड बैलून में बल्क स्ट्रेन होगा. क्या इन्फ्लेटेड बैलून में बल्क स्ट्रेन होगा? उस केस में चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है. ठीक है, क्लैरिटी है? सो डेल वी इक्वल टू वी एफ माइनस वी इनिशियल विच इज नेगेटिव. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? सो दिस इज नोन एज बल्क स्ट्रेन, which is change in volume upon initial volume. ठीक है, अच्छा एक और चीज ऐसे हम लोग बोलते हैं lateral strain. बहुत सारे नाम है, डरना नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने टर्मिनोलॉजीज है सब बताता चलूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए. बहुत इजी चैप्टर है, कोई खास बात नहीं. लैटरल स्ट्रेन क्या? ऐसा मानो कि आप एक वायर ले लो, ये वायर के ऊपर आप मान लो आपने फोर्स इस तरीके से लगाया है, इधर एक फोर्स एफ लगाया और इधर एक फोर्स एफ लगाया. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप ये फोर्स लगाओगे तो मान लो इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर जो था वो एल है और फाइनल लेंथ ऑफ द वायर फोर्स अप्लाई करने के कारण, मान लो फोर्स अप्लाई करने के कारण ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, फाइनल जो लेंथ आया वो आया एल प्लस डेल एल. अब लॉजिकली सोच, तूने मेंसुरेशन पढ़ा हुआ है एक वायर का, वायर में मटेरियल तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं हुआ, हमने कोई मटेरियल डाला नहीं. इसका मतलब जब हमने इसे खींच दिया तो क्या हम लिख सकते हैं पाई इंटू रेडियस इनिशियल का होल स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस फाइनल का होल स्क्वायर इनटू एल प्लस डेल्टा एल. क्या मेरी बात समझ में आई? ये मैंने क्या करने की कोशिश की? आपने मेंसुरेशन पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड 10th में, चमका है कि नहीं बोल. इसका मतलब जब मैंने टेंसाइल या एलोंगेटिव स्ट्रेस लगाया है तो मैंने ये समझा या ये देखा कि ये लगाने के कारण जब ये वायर की लंबाई बढ़ती है तो साथ ही साथ इसकी जो रेडियस है वो घटेगी. क्योंकि देख, ये दोनों अगर बराबर हो रहे हैं, अपनी अकल चलाओ, पाई और पाई तो कट गया, ये दोनों अगर बराबर हो रहे हैं
तो अगर मेरा एल बड़ा है तो मेरा आर घटेगा, तभी तो मैंने इक्वेशन के दोनों साइड को बराबर करनी है, अदरवाइज बराबर कैसे होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब हम एक वायर को खींच रहे हैं अगर उसकी लंबाई बढ़ रही है तो उसकी रेडियस डेफिनेटली कम होगी, बहुत चमका है। इसको हम लोग बाद में एक और रेशियो पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो। क्या रेशियो बोलते हैं? पॉइसन्स रेशियो, ठीक है, पॉइजन नहीं, पॉइसन्स, ठीक है, इट्स अ फ्रेंच नेम। सो पाई रेडियस इनर स्क्वायर इनटू एल, इनिशियल स्क्वायर इनटू एल इज इक्वल टू पाई आर रेडियस फाइनल का होल स्क्वायर इनटू एल प्लस डेल एल। क्या आपको ये बात समझ में आई है? ध्यान से देखो, क्या ये बात समझ में आई है? क्या किया मैंने? मैंने दोनों वॉल्यूम को इक्वेट किया। दोनों वॉल्यूम को क्यों इक्वेट किया? क्योंकि दोनों वॉल्यूम को जब हम इक्वेट कर रहे हैं तभी हम मटेरियल को कांस्टेंट मान पाएंगे, क्योंकि हमने कोई मटेरियल जोड़ा नहीं है। तो यहां से एक लैटरल स्ट्रेन डेवलप होती है। हाउ यू डिफाइन लैटरल स्ट्रेन? लैटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, और ये आ जाएगा मान लो डेल आर अपॉन आर, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। यहां पे भी आप एक माइनस साइन डालोगे, आपको स्ट्रेन जो है लैटरल स्ट्रेन हो या बल्क स्ट्रेन हो, स्ट्रेन आपको पॉजिटिव दिखाना है, बिकॉज डेल वी नेगेटिव होता है बल्क स्ट्रेन में, जो केस हम कंसिडर कर रहे हैं। कंप्रेसिव अगर नॉर्मल फोर्स इनवर्ड लगा तो वो डेल वी नेगेटिव होने के कारण आप वहां पे माइनस साइन डाल देते हो, बिकॉज आपको बल्क स्ट्रेन जो है वो चेंज दिखाना है आपको, और वो चेंज दिखाने के लिए आपको वो एक पॉजिटिव नंबर करना है, इसलिए आप वहां पे माइनस दिखा दो। दैट इज व्हाट इज द नोमेनक्लेचर दैट वी यूज। अभी उस पर डिबेट मत करना, ऐसा क्यों सर, ऐसे ही होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, हमें यही मानना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो चेंज इन रेडियस जो है, ये चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, लैटरल स्ट्रेन भी आपको पॉजिटिव क्वांटिटी दिखानी है, इसलिए आपने वहां पे एक्स्ट्रा माइनस डाल दिया। ये एक्स्ट्रा माइनस क्यों आया, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया एवरीवन? गुड। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, ध्यान से देख, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हुक्स लॉ। जस्ट अ मोमेंट, नो धनश्री, इट्स अ गुड क्वेश्चन। धनश्री का क्वेश्चन ये है कि सर क्या लैटरल स्ट्रेन सिर्फ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए लगेगा? लैटरल स्ट्रेन सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए लगेगा ये जरूरी नहीं है, इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट एज वेल। बट कोई अदर ऑब्जेक्ट लोगे तो वहां पे चैलेंजिंग हो जाता है मैथमेटिक्स ज्यादा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट वही रहता है, इसीलिए आपको जो मैक्सिमम सवाल मिलने के चांसेस हैं वो सिलिंड्रिकल रॉड के साथ ही मिलेंगे, बिकॉज वहां पे कैलकुलेशंस रिलेटिवली इजियर या सिंपलर है। धनश्री, डिड यू गेट इट? कहीं पे भी लग सकता है, लॉजिकली सोचो ना, मटेरियल तुमने जोड़ा नहीं है तो तुम अगर खींच रहे हो उसको, मान लो एक स्क्वायर वायर है तुम्हारे पास, तुम स्क्वायर वायर को भी खींचोगे, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का वायर है, उसको अगर खींचोगे, मतलब वो एक क्यूबॉइडल है, उसको खींचोगे, मटेरियल तुमने जोड़ा नहीं है, अगर उसका वॉल्यूम सेम रहना है तो ऑब्वियसली उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। लेंथ अगर बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करना मतलब उसका साइड रिड्यूस होगा, उसका साइड रिड्यूस होना दैट्स अ मैथमेटिकल चैलेंज, इट्स अ ह्यूज चैलेंज, हाउ टू फाइंड इट आउट, राइट? तो वहां पे अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। उतना ज्यादा हम लोग जनरली देखे नहीं है क्वेश्चंस की वैरायटी, तो इसीलिए मेजॉरिटी आपको जो सवाल आने के चांसेस है लैटरल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, इट वुड बी फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल पर्सपेक्टिव। क्या मेरी बात समझ में आया है? गुड। कॉन्सेप्ट ये है, आपको समझ जाना है, चैलेंज उसमें मैथमेटिक्स का ज्यादा है, इसलिए फिजिक्स में डालने के चांसेस बहुत कम है, आता ही नहीं, जनरली नहीं देखा होगा, ठीक है? ओके, अभी ध्यान सुनो, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, पहले मैं लॉ स्टेट कर देता हूं, विद इन इलास्टिक लिमिट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस इज वॉट इज हुक्स लॉ। Within elastic limit, stress is directly proportional to strain.
राइट right. तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट. अच्छा, विद इन इलास्टिक लिमिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट एज द नेम सजेस्ट, इससे भी आप लोग समझ चुके होंगे, दो वर्ड से बना हुआ, इलास्टिक और लिमिट. इलास्टिक लिमिट वो वैल्यू है यू नो स्ट्रेस की, जहां जहां तक राइट स्ट्रेस की वो वैल्यू है जहां तक अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते हो तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट स्ट्रेस मींस रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग मतलब फोर्स हटा दिया, आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्स के कारण स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, द बॉडी विल बी एबल टू कंप्लीटली रिगेन इट्स शेप बैक, दैट इज नोन एज इलास्टिक. क्या समझ में आया आपको? आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर फोर्स लगाना शुरू करते हो, कोई एक रॉड इमेजिन करो, उस रॉड के ऊपर अगर आप फोर्स लगाना शुरू करते हो तो आप फोर्स बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, तो आपको दिखेगा कि एक फोर्स बढ़ाते फोर्स जब आप बढ़ा रहे हो तो एक लिमिट तक पहुंचेगी फोर्स लिमिट, जहां तक अगर आपने फोर्स बढ़ाया और फिर इस फोर्स को रिमूव कर दिया तो बॉडी, मान लो इसके कारण बॉडी का जो लेंथ है वो डेल एल से बढ़ गया, इनिशियली एल था अभी एल प्लस डेल एल है, ये डेल एल है, तो अब जब ये फोर्स लिमिट तक पहुंच के आपने रिमूव कर दिया, ये लिमिट की बात हो रही है, ये लिमिट फोर्स लिमिट है, अगर आपने इस फोर्स लिमिट को रिमूव कर दिया तो ये बॉडी फिर से वापस ये वाला पोर्शन इसके अंदर ही घुस जाएगी, मतलब ये वापस अपने ओरिजिनल लेंथ एल पे आ जाएगा. That is known as elastic limit. और जितने भी elasticity के questions आपको मिलेंगे, सब within elastic limit ही मिलेंगे. क्योंकि elastic limit के बाद stress directly, पहले stress directly proportional to strain होता है, लेकिन body अपने shape को completely regain नहीं कर पाता. उसके बाद एक स्टेज तो ऐसा आता है जब body आप stress कितना भी कम कर दो, strain बहुत जल्दी बढ़ता है और फिर बॉडी फाइनली रप्चर कर जाए. मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ठीक है? तो फिलहाल आप ये याद रखो कि हमारे लिए जितने भी सवाल आएंगे सारे सवाल विद इन इलास्टिक लिमिट की ही बात करेंगे, मतलब हम उस जोन की बात करेंगे या फिर हम उस पर्टिकुलर फोर्सेस के लेवल की बात करेंगे जहां पे अगर आप वो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हो जिसके कारण स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ अराइजिंग ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, जब आप वो फोर्स लिमिट तक पहुंचा के एक लिमिट आएगी, उस लिमिट तक फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हो आप, और अगर आप उस फोर्स को रिमूव करते हो देन यू वुड सी दैट द बॉडी इज एबल टू रिगेन इट्स शेप कंप्लीटली, दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट. और इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हुक्स लॉ वैलिड होता है. और हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. क्या मेरी बात समझ नहीं है? इलास्टिक लिमिट के आगे थोड़े दूर तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है, लेकिन बॉडी अपने शेप को कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाती है. मैं उसका डायग्राम भी एक दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, बट फिलहाल आप ये बेसिक चीज समझो, ठीक है? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिलहाल आप ये बेसिक चीज समझो, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अभी इसका जो डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो है दिस इज अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को हम अलग अलग नामों से जानते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस टाइप के स्ट्रेस और किस टाइप के स्ट्रेन की बात कर रहे हैं. तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट सॉलिड्स के लिए कहलाती है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. लिक्विड्स और गैसेस के लिए ये कहलाती है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. जब मैंने बोला बल्क मॉड्यूलस तो आप में से बहुत से लोगों का ध्यान एक तरफ गया होगा. कोई बताएगा किस चैप्टर की तरफ आपका ध्यान गया है जब मैंने बल्क मॉड्यूलस बोला? कोई भी ट्राई कर सकता है, इट्स एन ओपन क्वेश्चन. याद करो आपने हीट चैप्टर पूरा पढ़ लिया, साउंड वेव्स, वेरी गुड. एसएचएम, एसएचएम में कहां आया था रे बल्क मॉड्यूलस?
वेव्स में आता ना भाई, ऐसा क्या कर रहा है? लिक्विड्स और गैसेस, सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस में बल्क मॉडुलस आपका यूज होगा. और एक स्पेशल केस होता है सॉलिड्स में, यंग्स मॉडुलस तब यूज होता है, ध्यान से सुनना, सॉलिड्स में यंग्स मॉडुलस तब यूज होता है जब फोर्सेस जो होती हैं वो इधर टेंसाइल हो या कॉम्प्रेसिव. और सॉलिड्स में अगर फोर्स का नेचर सियर हो गया, सियर स्ट्रेस हो गया, फोर्सेस ऐसे हो कि जो सियर कर रही है बॉडी को, तो उस केस में हमारे पास एक और मॉडुलस आती है, दैट इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, क्या मेरी बात समझ में आई है? तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस का रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट है. ठीक है गाइस, टेक 2 मिनट्स टाइम. ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर, द वीडियो विल गेट क्वाइट बिग. सो व्हाट आई वुड डू, टेक 2 मिनट्स ब्रेक, 2-3 मिनट्स का ब्रेक लो. मैं अभी इस वीडियो को एंड करूंगा, मैं फिर से एक मीटिंग रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, सब लोग फिर से रिज्वाइन कर लेना. ठीक है, इज इट डन एवरीवन? क्लैरिटी है पक्का? मैं अभी इस मीटिंग को एंड कर रहा हूं. मैं आई एम सेंडिंग यू अनदर मीटिंग रिक्वेस्ट इन अनदर 5 मिनट्स और सो, एंड देन वी विल कंटिन्यू. ठीक है, आप लोग जैसे ही मीटिंग रिक्वेस्ट आता है दूसरा वाला ज्वाइन कर लेना. ठीक है, ओके.